वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी VBSPU जौनपुर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2023। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एग्जामिनेशन फॉर्म रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। सभी छात्र अंत तक बने रहेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि अब रिजल्ट का माहौल आने वाला है और सभी छात्रों को ज्वाइन करके रखना है। साथ ही साथ एग्ज़ाम भी जल्द आपके कराए जाएंगे, तो इसलिए आपको जुड़ जाना है। और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन हो जाए और वहाँ पर आपको टैबलेट स्मार्टफोन योजना की लिस्ट और नोटिस दी जा रही हैं, जिसको कि आप प्राप्त कर पाएंगे किसी भी कॉलेज से हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, डिटेल में जानकारी लेते हैं। पहली चीज़ तो बात करेंगे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी दे देना है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है, देखिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से संबद्ध आजमगढ़ मऊ जौनपुर गाजीपुर एवं प्रयागराज के महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र छात्राओं के स्नातक द्वितीय वर्ष भूतपूर्व यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके अलावा स्नातक तृतीय वर्ष संस्थागत भूतपूर्व व्यक्तिगत स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, और इसमें भी देखिए संस्थागत व्यक्तिगत भूतपूर्व की परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म का यानी कि वार्षिक वाले छात्रों का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है। तो जितने भी छात्र वार्षिक से पढ़ाई कर रहे हों, एनुअल एग्ज़ाम जिनका होना है, वे छात्र अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, चाहे वो UG में हों या फिर PG में हों। और डेट जो आपको दी गई है 5 फरवरी से 12 फरवरी के बीच आपको भर लेना है फॉर्म, और इसके अलावा जमा भी जो आपको करना है 6 तारीख से 14 तारीख के बीच में इसको जमा कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वार्षिक के छात्रों के लिए BA BSc काम MA MSc MCOM या जो भी वार्षिक का और अदर कोर्स हो तो सबके लिए ये बात है, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। अब चलिए बात करें यहाँ पर आगे हम लोग रिजल्ट संबंधित अपडेट की। तो देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से पिछले दिनों कुछ रिजल्ट जारी किए गए थे। मेन बात जो रिजल्ट्स की हैं BA BSc BCOM MA MSc MCOM जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के, उनकी बात मैं करना चाहूँगा। तो देखिए लगभग कापियाँ जो हैं वो जा चुकी हैं और रिजल्ट अपलोडिंग का कार्यक्रम चल रहा है फिलहाल में, और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक चांस है, देखिए अब इसमें मैं आपको बता दूँ कभी भी किसी का रिजल्ट किसी कोर्स का रिजल्ट जारी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए चैनल से जुड़ जाना है, हर इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा आपको। रिजल्ट कभी भी किसी भी कोर्स का आ सकता है, और उम्मीद जो मुझे है वो ऐसा लग रहा है कि पहले BCOM के जो स्टूडेंट हैं उनका आ सकता है रिजल्ट, बाकी देखने वाली बात होगी किनका आता है। रिजल्ट के जो कार्यक्रम हैं लगभग पूरी कर ली गई हैं, कभी भी किसी का भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा जो बच्चे एग्जाम दिए थे, ठीक है। तो ये थी पूरी जानकारी, वीडियो पसंद आई हो समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, और टेलीग्राम से जुड़ जाए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।